ले जाएगी 24/7 में आप सबका स्वागत है। बहुत ही खास खबर और देश के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से रनवे यहाँ पे है, ये एयरफील्ड मुथ न्यूमा से मैं अभी रिपोर्ट कर रही हूँ। और आपको बता दूँ, ये सितंबर 2013 में यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन लगा था और लगभग ये जो रनवे आप देख रहे हैं 3 किलोमीटर है। और ये बहुत ही जल्द जो है हम देखेंगे ये कंप्लीट होगा। और पूरा जो रनवे है 90% कंप्लीट है। और कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर इमरजेंसी लैंडिंग करना हो तो रनवे जो है अभी बन के तैयार हो चुका है। और बाकी ओवरऑल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 60% जो है अभी तक कंप्लीट हुआ है। और बहुत ही जल्द ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे एयरफील्ड को इनॉग्रेशन भी किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं कर्नल डोमिंग पुनुंग, और उन इनके देखरेख में जो है ये प्रोजेक्ट बन रहा है। अभी हम बात करेंगे, ये 13,700 ऑल्टीट्यूड पे है अभी ये जगह। और हम अभी बात करेंगे कर्नल पुनुंग से, प्रोजेक्ट हेड से, और जिस कंपनी जो बना रहे हैं उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से जो है इस प्रोजेक्ट को कब तक जो है कंप्लीशन होगा और किस तरह के चैलेंजेस रहे हैं। क्योंकि लद्दाख जैसे जगह में जब माइनस टेम्परेचर हो जाता है तो मुश्किल भी ज़रूर आते हैं। तो हम ये भी जानेंगे उनसे कि किस तरह से प्रोजेक्ट बहुत जल्दी जो है बन के तैयार भी हो रहा है, तो इसका क्वालिटी चेक किस तरह किया जाता है। और ख़ासकर बॉर्डर एरिया से लगभग ज़्यादा दूर नहीं है और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो चुका है जब भी यहाँ पे बॉर्डर एरिया के डेवलपमेंट की बात करते हैं। और जब भी बीआरओ की बात करते हैं तो रोड कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं, हर जगह जो है ऑलमोस्ट हर गांव में जो है रोड पहुँच गया है। और ये जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी इस समय आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा एयरफील्ड अब बन चुका है और सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा ये भी कहा जा रहा है। तो आइए सुनाते हैं उनका इस प्रोजेक्ट पर क्या कहना है। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन। मैं कर्नल डोमिंग हूँ, कमांडर 755 BRTF। हमारी जो BRTF है ये सबसे ऊंची BRTF है, ये हानले में है 15,300 फीट पे। हम सारे लोग प्रोजेक्ट हिमांग के अंडर में आते हैं जी। तो ALG के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये जो एयरफील्ड है ये आप जब अभी ऑलमोस्ट रनवे कंप्लीट है, 95% कंप्लीट है रनवे। जब ये पूरी रनवे कंप्लीट हो जाएंगे तो ये सबसे इंडिया की सबसे ऊंची रनवे होगी एट 13,700 फीट। अभी आपको मालूम ही है जो एग्जिस्टिंग है वो ले एयरफील्ड है 11,000 पे। हमारा ये रनवे हो जाएगा 13,700 फीट पे। मैम, जिस प्रोजेक्ट को आप लीड कर रहे हैं और इतने डिफिकल्ट टेरेन में, और बीइंग अ वुमन एंड यू आर सेटिंग एन एग्जांपल फॉर मेनी, एंड उस बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके लिए ये प्रोजेक्ट लेना कितना चैलेंजिंग था। आई एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, यू आर अवेयर, इट्स अ हाई अल्टीट्यूड इन सेल्फ। तो मुझे तो खैर इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई है। एंड पहले भी मैं सबको बोलता रहता हूँ कि देयर इज़ नथिंग लाइक मैन और वुमेन व्हेन यू वर्क। व्हेन यू आर वर्क यू आर सपोज टू वर्क लाइक एन ऑफिसर, है ना। ऑफिसर की तरह काम करना चाहिए, आउटपुट उतना देना चाहिए जैसे किसी ऑफिसर को देना चाहिए। एंड डिफ़िकल्टी लेवल है, बिल्कुल है, यहाँ पे मेरे लिए तो बहुत कम है, बट जो मेरे एग्जीक्यूटिव जो ग्राउंड पे खड़े हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा है। बट बाई गॉड ग्रेस आई हैव गॉट अ वेरी एक्सलेंट टीम विथ मी, तो इतनी डिफ़िकल्टी हमें नहीं हुई है। दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन सेप्टेम्बर 2023 लास्ट ईयर, यू आर अवेयर। और आपने अब देखो अभी एक साल भी नहीं हुआ, एक साल के हमने अंदर रनवे ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर दिए हैं। हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बचे हैं, बाई नेक्स्ट ईयर विल बी कम्प्लीटिंग ऑल दिस स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। जी, तो काफ़ी वक्त से लोगों के जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस, और ये पहला जो कंट्री का जो है हाईएस्ट एयरफील्ड है, और लोगों को लोग ये जानना चाहेंगे कब जो है ये तैयार होगा और कितने महीने और लग सकता है। ये जैसे मैंने आपको बताया अभी रनवे कंप्लीट हो गया है, बाय नवंबर दिस ईयर रनवे विल बी कंप्लीटेड। लेकिन बाकी के जो एंसिलरीज बिल्डिंग्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं रनवे एक्टिविटीज़ को, उनको बनने में जुलाई अगस्त 2025 लग जाएगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग बाय सेप्टेम्बर दिस रनवे शुड बी फुल्ली फंक्शनल एंड इनोग्रेटेड इन सेप्टेम्बर 2025। एंड बींग ए स्पेशल प्रोजेक्ट हम ज़्यादा हरी भी नहीं कर सकते, इट्स अ रनवे स्पेशल प्रोजेक्ट, तो हर चीज़ में क्वालिटी का देखना बहुत ज़रूरी है।
जैसे आप यहाँ पे कल को कोई फ्लाइट लैंड करेगी तो उसमें कितने लोग होंगे, उनकी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी हम पे आती है कि हम किस तरीके का रनवे इनको देते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा हरी नहीं कर रहे हम, अपने टाइम से आराम से लेके क्वालिटी मेंटेन करते हुए ये काम को प्रोग्रेस में ले जा रहे हैं जी। तो जिस तरह से PRO या प्रोजेक्ट हिमांग की जब हम बात करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके, रोड्स को लेके और बॉर्डर एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह बढ़ाया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं इससे जो है लद्दाख ही नहीं पूरे कंट्री को कितना बड़ा बूस्ट मिलता है? बहुत बड़ा नहीं, बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलता है। जैसे आप देखोगे, आई एम लुकिंग आफ्टर ऑलमोस्ट 6639 किलोमीटर ऑफ रोड। उसमें से जो नया रोड बना रहे, 332 किलोमीटर का रोड हम नया रोड बना रहे हैं। सबसे जाना माना गया रोड है वो CDFD रोड बोलते हैं जिसको, चुशुल डुंगती पुक्चे रोड, जो कि इस ईयर के एंड में ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये तो LAC के बिल्कुल पास है, LAC से 2 किलोमीटर पर है ये रोड। एक और रोड है जो अभी हम ख़त्म करने वाले हैं, वो है हनले चूमर रोड, 96 किलोमीटर का। अगेन आपको मालूम है चूमर इज़ अ बॉर्डर विलेज लाइक डेमचौक, तो उस बॉर्डर विलेज को जोड़ने के लिए हम ये रोड बना रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारी रोड है। तो जब उमलिंगला इनोग्रेट हुआ था 2021 में, यू आर अवेयर, उससे पहले वहाँ टूरिस्ट हनले को कोई जानता भी नहीं था अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेटरी। लेकिन जब उमलिंगला हमने इनोग्रेट किया पिछले साल, उसके बाद आप देखिए कितने वहाँ पे होम स्टेज आ गए हैं, कितना वहाँ का लोकल इकोनॉमी कितना बूस्ट हुआ है। यू हैव टू बुक योर गेस्ट रूम 2-3 मंथ्स इन एडवांस अगर पीक सीजन में आते हैं, ठीक है। एंड पीपल आर हैप्पी, आई हैव बीन इंटरेक्ट, हनले इज़ ए वाइब्रेंट विलेज, आई होप यू आर अवेयर। तो इसमें वी कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद देम, एवरी 2-3 मंथ्स हम जाते हैं, उनसे बातें करते हैं। दे आर वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ रोड, क्वालिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर मेकिंग इन द बॉर्डर एरियाज। मैडम, ये अभी जो रनवे लगभग बन गया आपका, लेकिन बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनना बाकी है, तो इनोग्रेशन ऑफिशियली अगले साल हो सकता है? बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई हैव सेड। अगर कोई इमरजेंसी लैंडिंग होगा तो इसके लिए अभी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है? वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। द रनवे इज रेडी, द मोमेंट दे से टुमारो दे वांट टू लैंड, दे कैन लैंड हियर। इट इज़ रेडी 95% फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग। वी डोंट रिक्वायर, हमें इनोग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए, हम आराम से बिल्कुल लैंड कर सकते हैं। All kinds of aircraft. Yes, we are planning for all kinds of aircraft. मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये रनवे ELG में इसको सुपरवाइज कर रहा हूँ जी। थोड़ा सा हम पहले तो एक ब्रीफ जो है एयरफील्ड के बारे में हम जानना चाहेंगे। मैम, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बन रहा है, एक तो रनवे हो गया मैम हमारा, प्लस एक डिस्पर्सल है यहाँ पे, एक हैंगर हम लोग बना रहे हैं, प्लस एक ATC है, और मैन पावर को यहाँ पे स्टे करने के लिए 1 अफसर अकोमोडेशन इज देयर, 1 PVR अकोमोडेशन इज देयर, एंड कुक हाउस। दिस इज ऑल जी। तो ले से कितना किलोमीटर है यहाँ? दिस इज अराउंड 200 किलोमीटर फ्रॉम रनवे। आप लेंथ के बारे में बताएंगे, कितने लंबा है? दिस रनवे इज 9,000 feet लॉन्ग एंड 150 feet वाइड। दिस इज द स्टैंडर्ड रनवे जी। तो हम ये भी जानना चाहेंगे, ये तो रनवे के बारे में आपने बताया और अभी कुनुम ने, उन्होंने ये बताया कि इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अभी भी आप तैयार हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसे कैसे क्या क्या बना रहे हैं? मैम, अभी जो यहाँ पे ATC है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मतलब 2-3 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अफसर अकोमोडेशन है, PVR अकोमोडेशन है, ये कंप्लीट हो जाएगा इस साल, लेकिन इसके साथ में एक हमको हैंगर भी बनाना है, तो हैंगर बनाने के लिए अभी टाइम लगेगा। तो दिस विल बी कंप्लीटिंग अराउंड जून जुलाई नेक्स्ट ईयर। इसका टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है? इसका मैम जो एटम अप्रूवल अमाउंट था वो था 219 करोड़, तो जो कंप्लीशन कॉस्ट है प्रोजेक्ट का वो अप्रॉक्सीमेटली 218 करोड़ आ रहा है। तो जिस तरह से आपको पता है कि वेदर कंडीशन लद्दाख का कैसा होता है, तो काम आप कितने महीने जो है यहाँ पे चला पाते हैं? जो बेसिक काम है वो तो हम लोग 12 मंथ चलाते रहते हैं मैम, लेकिन जो क्वालिटी वर्क है उसके लिए कॉन्क्रीटिंग वगैरह तो हम लोग ड्यूरिंग द समर ही कर पाते हैं। तो दिस इज़ द लास्ट मंथ की हम लोग कॉन्क्रीटिंग करेंगे, फिर क्लोज हो जाएगा मैम जी। तो हम ये जानना चाहेंगे, और जिस तरह से ये प्रोजेक्ट लास्ट ईयर का ही जो फाउंडेशन स्टोन था और इतना जल्दी जो है सब कुछ आपने बना दिया है, तो बहुत ही जल्दी देखा इंफ्रास्ट्रक्चर रनवे भी बन गया है, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से क्वालिटी जो है मेंटेन हो रहा है उस, और कितने मैन पावर है जो डेली के आपके लगते हैं? मैम, पीक टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 400 मैन पावर यहाँ पे काम कर रहा था। एज फार एज क्वालिटी इज कंसर्न, तो वी हैव द लैब हियर,
एंड दी जो मॉडर्न इक्विपमेंट है वही यूज हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इस तरीके से मैम क्वालिटी तो इंश्योर कर रहे हैं हम लोग जी। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप लद्दाख के नहीं हैं, आप भारत के ज़रूर हैं, तो इस तरह ठंड के मौसम में, वो भी चांगथांग रीजन को काफ़ी ठंडा माना जाता है, तो इसमें आके आप अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को देख भी रहे हैं, संभाल भी रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस है, तो इस चीज़ इसको कैसे देखते हैं आप? मैम क्या है, बॉर्डर रोड जो है वो जनरली हम लोग हिली एरिया में ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैम एकदम न्यू है इस प्लेस के लिए, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। बकाया जो मैम यहाँ का बेसिक है कि आपको एक्लिमेटाइज़ करना है तो वो हम लोग को फॉलो करना पड़ रहा है, स्पेशली जो लेबर आती है मैम उसको भी एक्लिमेटाइज़ कराना पड़ता है, तो एक्लिमेटाइजेशन के बाद ही वो थोड़ा सा जब फिट होते हैं फिर काम स्टार्ट करते हैं, तो ये जो यहाँ का बेसिक रूटीन है दैट वी आर फॉलोइंग। सर अभी कितने लेबर्स हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैम अप्रॉक्सीमेटली अभी 250 के आसपास हैं लेबर यहाँ पे, पीक टाइम पे 400 थे, अभी थोड़ा काम कम हो गया तो 250 के आसपास लेबर यहाँ पे काम कर रही है। तो आप हमेशा से एक बीआरओ का मैसेज रहता है, इधर वी फाइंड अ वे और मेक वन, तो हमेशा ये फिट रहता है जब भी आप जो भी काम करते हैं, तो मैसेज क्या रहेगा आपका, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, खासकर जब हम बॉर्डर एरियाज को देखते हैं, बॉर्डर डेवलपमेंट को देखते हैं, जिस तरह से अभी मैम ने भी काफ़ी ब्रीफ कर दिया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैम जो भी प्रोजेक्ट मिलता है बॉर्डर रोड को हम लोग कोशिश करते हैं कि टाइम पे कंप्लीट करें, बॉर्डर रोड की जो टीम है वो बहुत अच्छी रहती है, डिसीजन बहुत फास्ट होते हैं, तो उस हिसाब से हम जो भी प्रोजेक्ट मिलते हैं वी ट्राई की वी कंप्लीट विद इन टाइम। आपका क्या मैसेज रहेगा? हम जो भी काम मिलेगा टाइम पे कंप्लीट करेंगे मैम। सर आपको, आप इतने सालों से यहाँ लद्दाख सर्व करके ट्रांसफ़र होकर जा रहे हैं, आप तो कैसा लग रहा है आपको इतना एयरफील्ड एक सबसे हाईएस्ट इंडिया का उस पर काम करके वापस आए? काफ़ी गर्व महसूस होता है, इंडिया का हाईएस्ट एयरफील्ड है और उसके साथ एसोसिएट होकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम अजमेर सिंह, मैं HRY कुंदू कंपनी में प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ यहाँ पे लेह लद्दाख में। हम नोरमा में सबसे हाई एल्टीट्यूड पे रनवे बना रहे हैं, तो यहाँ पे रनवे बनाने का फर्स्ट एक्सपीरियंस है और BRO के साथ रनवे बनाने का भी बहुत अच्छा लगा, इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया, तो यहाँ पे हमारी मेन पावर और लेबर भी काफ़ी टाइम से काम कर रही है, हमें यहाँ पे वर्किंग सीजन कम मिलता है इसलिए हम लोग यहाँ पे दिन रात काम करते हैं जिसके हम जल्दी से जल्दी ये रनवे बना सकें, और हमने यहाँ पे काफ़ी मुश्किलें भी झेली हैं जिसमें फिर भी हमारा BRO की तरफ से बहुत सपोर्ट हुआ, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती थी जैकेट कुछ भी उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। तो लेबर्स आप नीचे से लाते हैं और यहाँ पता है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, खासकर इस रीजन में ठंड बहुत पड़ती है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं सारा चीज़? लेबर को मैम वहाँ से हम लाते हैं और वहाँ पे 3-4 दिन हम लोग ले में करते हैं मैम, वो उसके बाद मैम लेबर का हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं, खाने पीने का उनको मोटिवेट करते हैं, कुछ लोग बीमार भी होते हैं तो यहाँ पे आर्मी कैंप में हमारे सपोर्ट हो जाता है, तो लेबर को रखना भी थोड़ा टास्क है मैम जहाँ पे बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग उनका माइंड को थोड़ा डिवर्ट करके काम करवाते हैं जिससे उनको भी खुश रहते हैं। हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कंबल्स बुखारी ठंड में जो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल कर देते हैं जी। तो आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, आप बहुत ही खास प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट मिलना भी आपके लिए गर्व महसूस होता होगा क्योंकि ये देश के लिए है और खासकर बॉर्डर एरिया के पास है, तो क्या कहेंगे आप? ये वाला प्रोजेक्ट मिलना हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है और हमें भी काम करके यहाँ पे अच्छा लगा और बहुत देश के लिए कुछ करने का मौका मिला। तो चैलेंजेस होते होंगे, कैसे चैलेंजेस आप फेस करते हैं इस टेरेन? चैलेंजेस मैम काफ़ी है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट सीमेंट पहुँचाना है, क्रिकेट पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारी कंपनी की सपोर्ट का जो भी रहता है नीचे से तो हम लोग फुलफिल करके यहाँ को काम को टाइमली ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 90% काम हो चुका है रनवे का, तो हमने जितना कोशिश हो सका जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की और इसको टारगेट को अचीव करने के लिए भी हमारा काफ़ी सपोर्ट मिला BRO का, तो हम इस मुकाम पे पहुंच पाए। विंटर्स में आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? अभी सर्दी बहुत जल्दी आने वाली है, विंटर में हमारे बहुत चैलेंज रहते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस टेम्परेचर चला जाता है, पानी जम जाता है, मैं उसको रिकवर करने के लिए काफ़ी पानी गर्म करके लेबर को मोटिवेट करके तब काम करना किया जाता है, अदरवाइज़ ये तो लेबर को रोकना बहुत मुश्किल टास्क है यहाँ पर।